जब हम वहां पहुंचे तो ऑपरेशन खत्म हो चुका था और गैरिसन की यूनिट ने उन चारों फिदायिनों को मार गिराया था। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया, हम बॉडी बैग्स और कॉफिन्स को हेप्टर्स में रख रहे थे और साथ ही ये पता लगा रहे थे कि कितनी जाने गई है। उस वक्त चारों तरफ बहुत गुस्सा था, खासकर मेरे जवानों को। सैनिकों की शहादत ने देश को झकझोर दिया था। अगर एक जवान भी मरता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, और उस दिन तो हमारे बहुत सारे जवान मारे गए थे। हमें हर हाल में इस वारदात का बदला लेना था। हम अपने बहादुर जवानों के बलिदान को व्यर्थ कैसे जाने देते। दुश्मन ने हमें जितना नुकसान पहुंचाया था, अब हमारे लिए यह जरूरी हो गया था कि हम उन्हें उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। तब तक सभी एजेंसीज ने यह पता लगा लिया था कि ये लोग कहां से आए थे और ये हमलावर कौन थे। दशकों से भारत अपनी पश्चिमी सीमा पार से आतंकी हमले झेल रहा है। उरी हमले के तार पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पाए गए। ये उन अनगिनत आतंकी संगठनों में से एक था जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट करते हैं, और पाकिस्तान की सेना उन्हें पूरा सहयोग देती है। हमें यह मालूम होता है कि जैश और लश्कर जैसे संगठनों में क्या चल रहा है, और यह भी कि वो कितने आतंकवादियों की भर्ती कर रहे हैं। हथियारों से लैस इन आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप से लॉन्च पैड्स तक लाया जाता है, और इन ठिकानों से फिदायिन गिरोह को भारत के अंदर भेजा जाता है। ये लॉन्च पैड्स लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के बिल्कुल पास होते हैं, जो भारत और POK को अलग करती है। पाकिस्तानी सेना की निगरानी और कव ऑफ आय के बीच ये आतंकवादी भारत में आतंक फैलाने के मकसद से सीमा के अंदर दाखिल होते हैं। पॉलिटिकल सर्कल में हाई लेवल की मीटिंग्स शुरू हो गई थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर, सबका एक ही मत था कि हर हाल में इसका मुंह तोड़ जवाब तो हमें देना ही होगा। उरी हमले के बाद चुप नहीं रहा जा सकता था। भारत सरकार ने LOC के पार जाकर इन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए मिलिट्री एक्शन का फैसला लिया। ये एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किया गया। जल्द ही सारे ऑप्शंस पर चर्चा की गई। मेरा मानना है कि आप हमारी सेना पर हमला करके लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर छिप नहीं सकते हैं। हमारे पास कई ऑप्शंस थे, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हवाई हमले से लेकर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर तक, पर मकसद था एक सटीक और असरदार संदेश पहुंचाना। पाकिस्तान को यह संदेश पहुंचाना जरूरी था कि अगर तुम हमारी तरफ आकर हम पर हमला कर सकते हो तो हम भी तुम्हारे घर में घुसकर तुम पर हमला कर सकते हैं। भारतीय सेना में ये क्षमता है, इच्छा शक्ति है और लीडरशिप है कि वो हकीकत में मैदाने जंग में इस मकसद को अंजाम दे सके। फैसला लिया जा चुका था, एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जाएगा। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दुश्मन के इलाके में कदम रखेगा, और इस ऑपरेशन के लिए चुना गया जम्मू कश्मीर में बेस्ड इंडियन आर्मी की दो एलीट पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को। दुश्मनों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। दुश्मन पर हमारी लगातार नजर थी और हम बस आगे की कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार कर रहे थे। एक टॉप सीक्रेट मिशन की प्लानिंग की गई। ऑर्डर्स के इंतजार ने मेरे जवानों के गुस्से को और भड़का दिया था। पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस या पैरा SF हर वक्त किसी भी तरह के एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। उनका मोडस ऑपरांडी मिनिमम मेन मैक्सिमम इंपैक्ट। वैसे तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं, लेकिन जब हमले के लिए ऑर्डर्स मिल जाएं तो जुनून और बढ़ जाता है। ये नकाबपोश जांबाज अपने पीछे कदमों के निशान भी नहीं छोड़ते।
स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों से लैस ये पैरा एसएफ बहुत ही घातक है। ये हैं इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमें इस बात का पूरा अंदाजा था कि मुझे और मेरे टीम कमांडर्स को किस तरह का संदेश पहुंचाना है। ये सच्ची कहानी है भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स की। इस खतरनाक मिशन के लिए दो टीम्स तैयार की गईं। स्ट्राइक टीम वन के लीडर थे मेजर एक्स और स्ट्राइक टीम टू को लीड कर रहे थे मेजर जेड। इस मिशन को लीड करने वाले दोनों ऑफिसर्स का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। उरी हमले के बाद ही हम लोग एक शॉर्ट नोटिस पर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। मैं उस वक्त एक एक्सपेडिशन से वापस ही लौटा था और मुझे फॉरेन ट्रेनिंग एरिया में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और मेरे दिमाग में तभी से एक गेम प्लान बनना शुरू हो गया। हम लोगों ने उन सभी ऑप्शंस पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया था जो हमारे पास थे और उसके बाद इस प्लान को लेकर मैं दिल्ली गया। ये मिशन एक बहुत बड़ा दांव था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में प्राइम मिनिस्टर ने एक इनफॉर्मल निर्देश जारी कर दिया था और उनके सामने 23 सितंबर को एक प्लान पेश किया गया। पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मल्टीपल टारगेट्स पर हमला करने की तैयारी थी। आर्मी हेडक्वार्टर्स ने 6 टारगेट्स चुने थे। क्या इससे प्लानिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो रहा था? बहुत ज्यादा। ये सभी टारगेट्स दुश्मन के इलाके में थे जो साथ ही बहुत दुर्गम भी था और हर टारगेट एक दूसरे से काफी दूर था। हर जगह एक साथ हमला करना लगभग नामुमकिन था। इस ऑपरेशन के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। स्ट्राइक टीम वन और टू को नॉर्थ कश्मीर के दो टारगेट्स की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन हमला करने से पहले उन्हें उन पर नजर रखनी होगी, फिर प्लानिंग करनी होगी। मेजर जेड और मेजर एक्स ने अपनी हाईली स्पेशलाइज्ड रिकॉन टीम्स को तैयार किया। उनका काम था दुश्मन पर करीब से नजर रखना और जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। मेजर जेड अपनी टीम के साथ होम बेस से निकल पड़े। इस रिकॉन मिशन के तीन मुख्य उद्देश्य थे। पहला, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाने के लिए बेस्ट रूट को चुनना। दूसरा, टारगेट पर 24 घंटे नजर रखना। और तीसरा, एक सेफ एग्जिट प्लान पर काम करना। 24 सितंबर शाम 6 बजे एलओसी के पास काफी सारे बिल्ट अप एरियाज थे, काफी गांव थे। दुश्मन के खबरी हर तरफ फैले हुए थे। सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि दुश्मन को इस मिशन की बिल्कुल भी भनक ना लगे। आतंकवादियों के घुसपैठ करने का रास्ता इन घने जंगलों के बीच से गुजरता है। मेजर जेड की रिकॉन टीम को गुप्त ही रहना होगा, वरना यह मिशन खतरे में पड़ जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना होता है कि आवाज कम से कम हो। इस तरह से छिपकर आगे बढ़ने के लिए सालों की ट्रेनिंग लगती है, लेकिन गलती कभी भी हो सकती है। दूसरी तरफ करीब 100 किलोमीटर दूर मेजर एक्स अपनी रिकॉन टीम के साथ होम बेस से निकल चुके थे। उन्होंने पीर पंजाल के घने जंगलों को अपना रास्ता चुना। यहां से कोई नहीं गुजरता था और उसकी एक खास वजह भी है। जमीन के कुछ इंच नीचे एंटी पर्सनल माइंस बिछी हुई थी जो हल्के से कांटेक्ट के साथ ही फट सकती थी। एक गलत कदम और इन जवानों के साथ ये मिशन भी खत्म। बहुत वक्त बीत जाने से माइंस वहां से खिसक जाती हैं जहां उन्हें लगाया जाता है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि माइंस कहां खिसकी होंगी। लेकिन ट्रेनिंग और सावधानी काम कर गई।
मेजर एक्स और उनकी रिकॉन टीम वन लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए पीओके के लीपा वैली में प्रवेश कर गए। एलओसी में काफी जगहों पर कुदरती चीजों से सीमा निर्धारित की गई है। हर जगह फेंसिंग नहीं है। सीमा पार करना चुनौती भरा तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दूसरी तरफ मेजर जेड और उनकी रिकॉन टीम टू पीओके के वीरान अरंगकेल सेक्टर में प्रवेश कर चुकी थी। वहां कोई रास्ता नहीं था, हर तरफ जंगल था। दोनों रिकॉन टीम्स अब दुश्मन के इलाके में थीं। यहां से उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी थी। एक बार आप दुश्मन के इलाके में घुस गए तो खतरा हमेशा बना रहता है। मौत का साया हर पल मंडरा रहा था। पाकिस्तानी पोस्ट्स 24 घंटे मुस्तैद पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस ड्रोन्स हर हरकत पर पैनी नजर रखते हैं। उस दिन सुबह के वक्त हमें आसमान में एक आवाज सुनाई दी। टीम वन सतर्क हो गई। ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन था। यहां पकड़े जाने का अंजाम या तो कैद होगी या फिर मौत। इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हुए एक घातक हमले ने देश को हिला दिया। भारत ने आतंकियों के लॉन्च पैड्स को खत्म करने का फैसला किया। स्पेशल फोर्सेस को भेजा गया है एक मिशन पर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। हमला करने से पहले टीम को दुश्मन की टोह लेनी होगी और वो भी बिना उनकी नजरों में आए। उस दिन सुबह होते ही हमें आसमान में एक आवाज सुनाई दी। मेजर एक्स और रिकॉन टीम वन वहीं थम गए। ये हाईटेक मोशन सेंसर से लैस एक पाकिस्तानी ड्रोन है। हल्की सी हरकत भी पकड़ में आ सकती थी। आसमान में मंडराता ये हवाई खतरा टीम की गति को धीमा कर देगा। पकड़े गए तो मिशन फेल हो जाएगा और वो ये खतरा नहीं उठा सकते थे। ड्रोन के जाने तक टीम उसी तरह खड़ी रही। All station, ready for move. अब तेजी से आगे बढ़ना होगा। बर्बाद हुए वक्त की भरपाई करनी होगी। दुश्मन इलाके में गुजरने वाला हर पल खतरे से भरा होता है। 25 सितंबर सुबह 6:54 रिकॉन टीम का पहला मकसद पूरा हो गया। टीम्स को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार टेरर लॉन्च पैड तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित रूट मिल गया था। वैसे तो इस तरह का ट्रैक हम 5 से 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं, लेकिन उस दिन हमें करीब 10 घंटे लग गए थे। और सुबह होते ही हम अपने टारगेट के पास पहुंच गए थे। आखिरकार दोनों रिकॉन टीम्स अपने टारगेट्स के करीब पहुंच गई। टीम्स ने अपनी पोजीशंस ले ली। कुछ जवान तो टारगेट के 250 मीटर करीब पहुंच गए। उनकी वर्दी उन्हें दुश्मन से छिपने में मदद करती है।
दूसरा लक्ष्य था टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। टीम्स को पता था कि उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मिशन को सफल बनाने के लिए हर एक छोटी जानकारी भी बहुत जरूरी थी। चौबीस घंटे की निगरानी शुरू हो गई, लेकिन खुद को छिपाए रखते हुए। इससे पहले दुश्मन के इलाके में इतना लंबा वक्त इन्होंने कभी नहीं बिताया था। वीडियोस बनाए गए, बारीक चीजों को समझा गया और टारगेट का एक लेआउट मैप तैयार किया गया। किस तरफ वो अपना खाना पकाते हैं, हथियार, अनाज और पानी वो कहां रखते हैं। हमने हर जानकारी निकाली, कितने लोग थे, हथियार किन के पास थे और वो किस तरह के हथियार थे और उनकी मूवमेंट का पैटर्न क्या था। दोपहर में वो लोग बोर्ड गेम्स खेलते थे और पोस्ट के बीच में बैठकर कुछ समय गुजारते थे, सोचते थे कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। लॉन्च पैड पर कुछ नए चेहरे दिखाई देने लगे। 25 सितंबर दोपहर 2:30 बजे। ये पूरी तरह से ट्रेंड आतंकवादियों का एक दल था जो भारत में घुसने की तैयारी कर रहा था। हमें अपने उन मुखबिरों से जो जैश में और लश्कर में काम कर रहे हैं ये पता चला कि इन लॉन्च पैड्स पर आतंकवादियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मेजर जेड खुद यही चाहते थे। इस मिशन का लक्ष्य ही ये था कि एक ही हमले में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया जाए। शाम ढलते ढलते इन लॉन्च पैड्स पर हलचल कम होती गई और रात 8 बजे तक बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। दूसरी तरफ मेजर एक्स के टारगेट पर भी रात तक सभी हलचल बंद हो चुकी थी कि तभी अचानक रात 8:15 दुश्मन गोलियां क्यों चला रहा है? क्या उन्होंने रिकॉन टीम 1 को देख लिया था? मेजर एक्स बिल्कुल शांत थे। उनके जवान गोली चलने के पैटर्न को समझ रहे थे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि ये सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव फायरिंग थी। ऐसा अक्सर किया जाता है, जिस दिशा से हमला होने का डर रहता हो उस तरफ अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की फायरिंग की जाती है। मतलब दुश्मन को अब भी रिकॉन टीम की मौजूदगी का एहसास नहीं है। मेजर एक्स और उनकी टीम बिल्कुल शांत बैठी है और उम्मीद कर रही है कि ये गोलियां उनकी तरफ न चलने लगे। 26 सितंबर सुबह 6:30 बजे। सुबह तक गोलियां चलनी बंद हो गई। अब दुश्मन के इलाके से निकलने का वक्त आ गया था। टीम के पास वो सारी जानकारी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब हमारे पास टारगेट के बारे में हर जानकारी थी कि उनके पास कितनी ताकत है, यहां तक कि हमें आतंकियों के एक जगह के कमांडर का नाम भी पता था। मेजर जेड के जवान 80 डिग्री की एक ढलान पर तैनात थे। यहां से निकलना आसान नहीं था, इसलिए कुछ रस्सियां बांधकर वहीं छोड़ दी गईं ताकि हमले के बाद वापस लौटने में आसानी हो। अब रिकॉन टीम का तीसरा लक्ष्य, एग्जिट प्लान। वापस जाने के लिए एक छोटा और सुरक्षित रूट ढूंढना ये बहुत जरूरी था, क्योंकि भारतीय फौज द्वारा हमले के बाद उस इलाके की पाकिस्तानी पोस्ट्स जवाबी फायरिंग करेंगी और एक पुख्ता एग्जिट प्लान टीम्स के लिए जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकता है। अगले दिन दोपहर तक हम अपनी पोस्ट पर पहुंच गए और उन डिटेल्स को देखने लगे जो हमने वहां से जुटाई। अब टारगेट्स पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स तक लाइव फीड्स पहुंचा रहे थे। 27 सितंबर दोपहर 3 बजे। अब हमला करने का वक्त आ चुका था।
मेजर एक्स और मेजर जेड ने अपने सबसे काबिल सैनिक चुन लिए। हम टारगेट पर जिस स्ट्रेटजी से हमला करना चाहते थे, हमने उसी जरूरत और काबिलियत के हिसाब से सैनिकों को चुना था। जितने भी जवान चुने गए थे वो सभी घाटी में करीब 15-16 साल से तैनात थे। हर स्पेशलिस्ट स्क्वाड को अटैक पोजीशन बता दी गई। हर एक के पास घातक हथियार थे। रॉकेट लॉन्चर टीम का लक्ष्य था दुश्मन को चौंकाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई को नष्ट करना, प्राइमरी टारगेट्स, फ्यूल स्टोरेज और रहने की जगह। मशीन गन बालों का लक्ष्य अंधाधुंध गोलीबारी से दुश्मन को संभलने का मौका ना देना। प्राइमरी टारगेट आतंकी लॉन्च पैड में खुली जगहों को निशाना बनाना। स्नाइपर्स का लक्ष्य उन पहरेदारों और दुश्मन लड़ाकों को मार गिराना जो जवाबी हमला करने की पोजीशंस में हैं। इनका प्राइमरी टारगेट पोस्ट्स, बंकर्स और ट्रेंचेस। क्लोज क्वार्टर असॉल्ट टीम का लक्ष्य है बिल्कुल करीब पहुंचकर अपनी असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल करना। मकसद किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। प्राइमरी टारगेट बचे हुए आतंकवादी। प्लान बहुत ही सिंपल था, पूरी तैयारी से हमला करना। आपको खुद पर, अपनी प्लानिंग पर यकीन रखना होगा। आपको अपने आखिरी जवान तक उम्मीद नहीं खोनी है। कैसे भी अपने मिशन को पूरा करना ही है। हमले का मकसद टारगेट को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देना। हमला करके निकलने के लिए वक्त 15 से 20 मिनट। कम से कम सैनिक, ज्यादा से ज्यादा तबाही। इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को इसी हिसाब से प्लान किया गया था। हम रात को डिनर कर रहे थे, मैं, हमारे सीओ और बाकी के टीम मेंबर्स, कि तभी एक फोन कॉल आया। सीओ ने थम्स अप किया और सिर्फ एक लाइन कही, बड़ी निकलने का वक्त आ गया है। मैंने उनसे कहा कि इस मिशन में अगर तुम लोग नाकामयाब होते हो तो जिम्मेदारी मेरी, और अगर कामयाब होकर लौटते हो तो श्रेय तुम्हारा। सारा दारोमदार उन जाबाज नौजवान ऑफिसर्स पर था जिन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया। मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह का मिशन और पैरा ट्रूपर्स एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे, दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना, और हमारा एक भी आदमी पीछे नहीं छूटना चाहिए। एक टीम जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने जा रही हो, उसे कोई तो गारंटी चाहिए कि फेल होने पर कम से कम देश उनके साथ खड़ा रहेगा, उन्हें गलत नहीं समझा जाएगा। असॉल्ट टीम्स तैयार थी। इस ऑपरेशन को अपने आखिरी पड़ाव तक ले जाने का वक्त आ चुका था। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो लोग सफल होकर ही लौटेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में तकदीर एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। स्ट्राइक टीम वन निकल पड़ती है। अब उन्हें मिशन पूरा करके ही लौटना है। और हम निकल पड़े। 28 सितंबर, दोपहर 4 बजे। मेजर एक्स की टीम को होम बेस से एयरलिफ्ट किया गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स फैले हुए थे। सितंबर 2016 में भारत की स्पेशल फोर्सेस को खुफिया तरीके से 6 टारगेट्स को तबाह करना था।
वो भी सटीक सर्जिकल स्ट्राइक से। स्ट्राइक टीम वन और स्ट्राइक टीम टू उत्तरी कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले बोलने के लिए निकल पड़ती है, जो एक दूसरे से करीब 100 किलोमीटर दूर थे। 28 सितंबर शाम 4:45। स्ट्राइक टीम वन को अनमार्क्ड लैंडिंग जोन में उतारा गया। सितंबर रात 8:15। मिलिट्री ट्रक्स और सिविलियन व्हीकल्स से इस स्ट्राइक फोर्स को स्ट्रैटेजी के हिसाब से तय किए गए स्थानों पर पहुंचाया गया। किसी को भी इस ऑपरेशन के बारे में हल्की सी भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। प्लान के मुताबिक स्ट्राइक टीम टू पीर पंजाल के जंगल की तरफ बढ़ रही थी। हम लोग अंदर जाने के लिए सही समय और चांद की सही रोशनी का इंतजार कर रहे थे। हम ऐसे रास्तों से अंदर गए जहां से कोई हमें नहीं देख पाया, यहां तक कि हमारे अपने लोग भी नहीं। दुश्मन को चौंका देना जरूरी था। मैं ऑपरेशन सेंटर में बैठकर अपनी टीम की निगरानी कर रहा था। वो हमें विजुअल्स भेज रहे थे और हम लगातार कांटेक्ट में थे। कुछ दिन पहले जब रिकॉन टीम यहां आई थी, तब से अब के हालात काफी अलग हैं। स्ट्राइक टीम की तादाद बड़ी है, उनके हथियार भारी भरकम हैं और गोला बारूद बड़ी मात्रा में है। उस रात से पहले मैंने कभी इतनी लंबी रात महसूस नहीं की थी। हमारे जवान गए ही ऐसे ऑपरेशन पर थे। अब पकड़े जाने का खतरा और ज्यादा था। रिकॉन टीम द्वारा की गई तैयारी काम आई और दोनों स्ट्राइक टीम्स लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंच चुकी थी बिना किसी की नजरों में आए, पूरी तरह सुरक्षित। मेजर एक्स की टीम दुश्मन के इलाके में पहुंच चुकी थी। 28 सितंबर रात 11:40। मेजर जेड की टीम ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर लिया था। अब यहां से हर कदम पर स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का इम्तिहान लिया जाएगा। इस ऑपरेशन का नतीजा टीम की काबिलियत, अनुभव और दिलेरी पर डिपेंड करेगा। मेजर जेड की रॉकेट लॉन्चर टीम को दुश्मन के ठिकानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त बैक ब्लास्ट होता है, इसके पीछे 40 मीटर की खुली जगह चाहिए, वरना इसे चलाने वाला बुरी तरह झुलस सकता है। यह इलाका चुनौतियों से भरा पड़ा था। ढलान लगभग 80 डिग्री की थी, लेकिन मेजर जेड के पास इसका भी सलूशन था। रॉकेट लॉन्चर टीम को हार्नेस पहनाया गया। रस्सियां बांधकर खड़ी ढलान पर हमले के लिए एक सेफ फायरिंग पोजीशन बना ली गई। स्ट्राइक टीम वन और टू अब हमला करने के लिए तैयार थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों टीम्स दुश्मन पर हमला करेंगी। अब सिर्फ इंतजार करना था।
इसी बीच 300 किलोमीटर दक्षिण में जम्मू रीजन में स्पेशल फोर्सेस की एक और टीम ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड को उड़ा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक्स शुरू हो चुकी थी। ऑपरेशन के दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक स्ट्राइक हो चुकी है। कुछ ही मिनटों में स्ट्राइक टीम वन के टारगेट ने एहतियात के तौर पर अपने लॉन्च पैड के चारों तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। स्ट्राइक टीम वन के सब स्क्वाड की तरफ फायरिंग होने लगी। आर्मी की तरफ से आदेश आ गया। हमें आगे बढ़कर मिशन को जल्द खत्म करने के ऑर्डर्स दिए गए। लेकिन फाइनल डिसीजन जंग के मैदान में टीम लीडर पर छोड़ दिया जाता है। मेजर एक्स के सब स्क्वाड पर जबरदस्त गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार थे। उनकी टीम अभी भी दुश्मन की नजरों में नहीं आई थी, इसलिए वो खामोशी से बैठे रहे और सूरज निकलने का इंतजार करने लगे। हम हमले के लिए तय किए समय पर कायम रहना चाहते थे। हमें कुछ घंटे और इंतजार करना था, इसलिए हमने टीम को थोड़ा पीछे हटने को कहा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब आप अपने सामने अपने जवानों को उस पोजीशन में फंसा हुआ देखते हैं। 29 सितंबर सुबह 5:15 बजे दुश्मन की फायरिंग बंद हो गई। स्ट्राइक टीम वन हमला करने के लिए तैयार थी। हाँ, टेंशन तो रहती ही है। एक तो आपके जवान दुश्मन के इलाके में है, उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है, और आप नहीं जानते कि सभी सुरक्षित वापस आ पाएंगे या नहीं। और दूसरी ओर हमें पता था कि सुबह होते ही भारत के लोग टीवी ऑन करके देखेंगे कि भारतीय सेना ने सीमा पार करके इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। स्ट्राइक टीम्स अपनी पोजीशंस ले चुकी थी। सितंबर सुबह 6:00 बजे ऑल स्टेशन मेरी काउंट पे फायर। थ्री 2 1 अब बारी हमारी थी। इंडियन पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला बोल दिया। लॉन्च पैड पर किया गया यह हमला सर्जिकल था और बहुत घातक भी। भारत ने दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। दुश्मन पर चारों तरफ से हमला किया गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। दुश्मन इधर उधर फैल गए थे, जिससे हमारी दूसरी टीम को अंदर घुसने का एक मौका मिल गया।
अचानक किया गया, वो भी बहुत घातक। दुश्मन पूरी तरह बिखर गया। इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड को तहस नहस कर दिया। टारगेट 2 पूरी तरह ध्वस्त हो गया, लेकिन मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ। आसपास की पाकिस्तानी पोस्ट्स हरकत में आ चुकी थी और उन्होंने स्ट्राइक टीम की दिशा में फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये इशारा था कि एग्जिट प्लान को हरकत में लाने का वक्त आ गया था। उन्होंने अपने सभी हथियारों से हम पर हमला शुरू कर दिया था। स्ट्राइक फोर्सेस को जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। गोलियों की बौछार और मोर्टार के धमाकों के बीच के वक्त का सही इस्तेमाल करके स्ट्राइक टीम 2 वहां से निकलने में कामयाब रही। हमने 2 से 5 मिनट के छोटे छोटे इंटरवल्स पर अपनी पूरी टीम को बाहर निकाला। दूसरी तरफ स्ट्राइक टीम 1 अपने टारगेट पर कहर बरपा रही थी। मिशन का वक्त खत्म हो रहा था और निकलने का टाइम हो चुका था, लेकिन उनकी डायरेक्शन में पाकिस्तान की तरफ से जमकर फायरिंग की जा रही थी। हमारी टीम के आसपास से गोलियां गुजर रही थीं और मोर्टार कभी बाएं तो कभी दाएं गिर रहे थे। एक टीम बाहर नहीं आ रही थी, वो ऑपरेशन खत्म करने में लगी थी। फिर मुझे उन्हें अपना डिसीजन देना पड़ा कि अब उन्हें वहां से बाहर निकलना है। नंबर 2 स्क्वाड, मूव। सभी जवान दुश्मनों की गोलियों को चकमा देते हुए वहां से निकल गए। उस वक्त सबसे जरूरी था तेजी दिखाना, क्योंकि हमें जल्द से जल्द दुश्मन के हथियारों की पहुंच से दूर निकलना था। सुबह 9 बजे तक दोनों स्ट्राइक टीम हमले की जगह से निकल चुकी हैं, लेकिन वो अब भी दुश्मन के इलाके में हैं और बड़ी सावधानी से वो लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर चल पड़ती हैं। ऐसा कौन है जो सुरक्षित घर वापस नहीं जाना चाहता? हर कोई अपने घर जाना चाहता है। स्ट्राइक टीम 2 भारत में कदम रख चुकी है। 29 सितंबर सुबह 9:30 बजे और स्ट्राइक टीम 1 लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कश्मीर घाटी में घुस चुकी है। मैंने हेडक्वार्टर को यह मैसेज भेजा कि मेरी पूरी टीम सुरक्षित अपनी जमीन पर वापस आ चुकी है। मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को तभी खबर भेजी थी जब सब सुरक्षित वापस आ चुके थे। लेकिन तकदीर किसी भी प्लान को फेल कर सकती है।
LOC के उस पार की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स में इंडियन पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस ने POK में आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। स्ट्राइक टीम्स अपने देश की धरती पर कदम रख चुकी थीं, लेकिन खतरा अब भी जमीन के नीचे छिपा हुआ था। 29 सितंबर सुबह 9:50 जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो मुझे जोरदार धमाका सुनाई दिया। मुझे बताया गया कि हमारे एक जवान ने माइन पर पैर रख दिया है। स्पेशल फोर्सेस के एक जवान ने एंटी पर्सनल माइन पर पैर रख दिया और धमाके में उसके पैर का एक हिस्सा उड़ गया। टीम मेडिक उसे सिर्फ कॉम्बैट फर्स्ट एड दे सकता था, लेकिन उसका पैर बचाने के लिए उसे यहां से बाहर निकालना होगा, वो भी तुरंत। मेजर एक्स ने हेलीकॉप्टर मंगवाया। स्ट्राइक टीम 2 इवैक्यूएशन पॉइंट तक पहुंच गई। मैं हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा और उस जवान को लेकर निकल पड़ा जो घायल हुआ था। फिर हमें ऑपरेशन की पूरी ब्रीफ देने के लिए हेडक्वार्टर बुलाया गया था। कल रात भारतीय सेना ने दुश्मनों के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ऑपरेशन का उद्देश्य था कि इन आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका जाए और इनके द्वारा भारत में किए जाने वाले हमले बंद हो और हमारे देशवासी बिना किसी खतरे और डर के अपना सामान्य जीवन जी सकें। मुझे लगता है कि लोगों में काफी उत्साह है। देशवासी, भारत की सेना और हमारे नेताओं से यही उम्मीद करते हैं कि हर बार ऐसे ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऐसा करने के लिए हम सक्षम भी हैं और शक्तिशाली भी। जरूरत पड़ने पर ऐसा बार बार कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य फिजिकल से कहीं ज्यादा मॉरल था। पूरे देश का मूड और हमारे जवानों का कॉन्फिडेंस देखकर काफी खुशी हुई। अचानक इस तरह के कामयाब ऑपरेशन से हर किसी को सेटिस्फैक्शन मिली है। भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है। हम किसी भी देश के साथ किसी तरह का तनाव भरा माहौल नहीं चाहते, क्योंकि सभी देश शांति से ही समृद्ध होकर आगे बढ़ सकते हैं। कसौटी पर खड़े उतरे। मैं तो यही कहूंगा कि हर सैनिक को उस दिन का इंतजार रहता है जब उसे अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिलता है। पर्सनली ये तो मेरे और मेरे जवानों के लिए बस एक और काम को अंजाम देने जैसा ही था।